बस ओलटी जड़े मृत 14 आहत कटक गोपालपुर छक ओल्टा चंदन बस दुर्घटन जड़े जनकर मृत्यु होता बेले 14 जन आहत होती घटनास्थल में उद्धार कार्य जारी रही उद्धार कार्य पुलिस और अग्निशम बाहन नियोजित होती अंपटे आहत मान कटक बड़ डाक्तखाना स्थानातरित कर भुवनेश्वर बालेश्वर जवा रास्त घटी दुर्घटना गुरुवार थारु तीन दिनिया ओडिशा गस्तरे आसुछंती केन्द्र निर्वाचन कमिशन राजीव कुमार एवं तांको टीम 17 तारीख पर्यंत ए भारतीय निर्वाचन कमिशन टीम राज्य में निर्वाचन प्रस्तुतिर करिबे समीक्षा विभिन्न पर्यायर राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य सरकार वरिष्ठ अधिकारी पुलिस डीजी जिलापाल एवं एसपी सहित करिबे आलोचना गुरुवार ठारु तीन दिनिया ओडिशा गस्तरे आसुछंती केन्द्र निर्वाचन कमिशन राजीव कुमार और तांको टीम 17 तारीख पर्यंत ही भारतीय निर्वाचन कमिशन राज्य में निर्वाचन प्रस्तुतिर समीक्षा करिबे विभिन्न पर्यायर राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य सरकार वरिष्ठ अधिकारी पुलिस डीजी जिलापाल और एसपी आलोचना करिबे भारत निर्वाचन आयोग गस्त निर्वाचन प्रस्तुति भी राज्य में त्वरान्वित होइछि आसंता काली तीन दिनिया ओडिशा गस्तरे आसुथिबा केन्द्र निर्वाचन आयोग तृणमूल स्तरर निर्वाचन प्रस्तुतिर तदारख करिबे जेबळी कि निर्भुल भोटर तालिका आईन सुखला अधिकारी तालीम भली कार्यक्रम समीक्षा करिबे ईसीआई एपरिकि विभिन्न राजनैतिक दलर प्रतिनिधि सह भी आलोचना करिवार कार्यक्रम रहिछि राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी पक्षर प्रस्तुति जारी रही बेले अधिकारी बदली प्रक्रिया भी शेष होसबु प्रस्तुतिर समीक्षा करिबे कमिशन सेप्टेम्बर 13 तारीख में केन्द्र निर्वाचन आयोग एक टीम ओडिशा गस्तरे आसी निर्वाचन प्रस्तुति समीक्षा करते सेपटे साधारण निर्वाचन पूर्व पुलिस को घारी अपराधिक चिंता अपराधी को सावाड करने सजग हो कमिशनरेट पुलिस पेशादार अपराधी तालिका प्रस्तुति सह कमिशनरेट पुलिस पक्ष बैठक कर भुवनेश्वर डीसीपी नेतृत्व में समस्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित थे निर्वाचन थी वारंट थी व्यक्ति कार्यानुषान सबू थाना अधिकारी निर्देश दि जा बारंबार अपराध में संपृक्त थिबा व्यक्ति मानंक विरोध में 110 ओ एनएस रे केस रुजु करबा को कुहा जाय छी निर्वाचन रो प्रस्तुति एबे टू आरंभ हे जाय छी और सब प्रकार पदक्षेप हम तरफ निया जाउ छी किमिति हमें शांति श्रृंखला बनाई की रखी परिबो और फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट करा ही जी परिबो एंटी सोशल हिस्ट्री शीट मध्ये हम तरफ रु पाखा पाखी हमें 10 रु ऊर्ध एंटी सोशल हिस्ट्री शीट खोली छु आउ 110 सीआरपीसी अंडर रे बाउंड डाउन करा जाउ छी निर्वाचन थिबारु जेउ माने कमिश्नरेट पुलिस तरु बंदूक लाइसेंस नै छंती सेमानकु बंदूक दाखल करबा को कुआ जाय छी निर्वाचन पई अनेक वीवीआईपी भुवनेश्वर आसुथबारु सेमानको सुरक्षा व्यवस्था रे जेभळी कोनोसी ढिला न हुए सेथिप्रति ध्यान देबा पई थानागुडी को निर्देश दिया जायछि निर्वाचन कमिशन को निर्देश क्रमे आवश्यक स्थले अधिक फोर्स मुतयन करा जिवो बोली भुवनेश्वर डीसीपी कहिसंती जते भी एंटी सोशल्स या क्रिमिनल्स अछंती जो माने कि कोनोसी प्रकार रे भी बाधा आनी परंती इलेक्शन प्रोसेस को से सब लोकों ऊपर वॉच बनाई रखबार अच्छी जो बेआईन मद कारोबार जदि कुटी चली से सब जिनस जो कि इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करी पारे उपरे आमे गुरुत्व दौचु सोमवार पुलिस डीजी सब जिलार एसपी डीसीपी डीआईजी समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अबाध और मुक्त निर्वाचन नहीं आलोचना करते भुवनेश्वर कैमरामैन आलोक मिश्रों सह दीपक सामल अजेश मल्लिक न्यूज 18 ओडिया निर्वाचन पूर्व राज्य कांग्रेस को झटका दल छाड़ी केन्द्रापड़ा राजनगर पूर्वतन विधायक अंशुमान महांती 2014-2019 पर्यंत से राजनगर विधायक रही प्रदेश कांग्रेस कमिटी सभापति निकट को पठाई इस्तफा पत्र केन्द्रापड़ार टाणुआ नेता तथा पूर्वतन विधायक स्वर्गत नलिनीकांत महांती पुओ होती अंशुमान राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा रे से सक्रिय भूमिका नहीं कुत्रा बरगा राउरकेला और सुंदरगढ़ में न्याय यात्रा रे होइथिले सामिल
सेठारु फेरिबा परे आज दलर प्राथमिक सदस्य पदर इस्तफा देछंति अंशुमान। चर्चा हेउछि से बीजेपी रे जोग दे पारंति। अंशुमान को निष्पत्ति केन्द्रापड़ा कांग्रेस को स्तब्ध कर देछि। दलर युव चेहरा भाव में अंशुमान निज सांगठनिक दक्षता और नेतृत्व नेबार कौशल दल ने निजर एक स्वतंत्र स्थान सृष्टि करते आधार में दल अंशुमान को 2021 मसीह जिला सभापति दायित्व देता। अंशुमान दल छाड़ कांग्रेस शुभदायक नुहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता गणेश्वर बेहरा। किंतु प्रभाव पड़ो बोली क्षति सहवाप नुहे क्षति कमी भरणा कर प्रभाव कमी प्रतिहत करोजना पड़ो निश्चित फायदा हम कांग्रेस मूलोत्पाटन होक स्थिर कर सारी कांग्रेस पर विकल्प हूँ बीजेपी जो मैंने आसवे निश्चित आम वेलकम करूँ तेणु ए कि सन्देह कर किए आसिले कौन किसी गोटे असुविधा हम यह भावना ना आम दलर सुप्रीमो दलर कार्यकर्ता मान विशाल उदय बहुप्रतीक्षित झारसुगुड़ा कार्डियक केयर हस्पिटाल उद्घाटन होगापी जाऊँगी। आसंता 26 तारीख में उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री। डाक्तरखाना भित्तिभूमि और चिकित्सा उपकरण आदि परिदर्शन करते बीएमआरसी सीईओ डॉक्टर पार्थ सारथी मोदक। अंपटे झारसुगुड़ा विधायिका दीपाली दास कहते बापा स्वप्न था कार्डियक केयर हस्पिटाल जहाँकि अति शीघ्र पूरण होगापी जाऊँगी जिलावासी खुशी। केबे आरंभ हम झारसुगुड़ा कार्डियक केयर हस्पिटाल यहाँ नहीं अनेक कल्पना जल्पना लगि रही है तेरे अपेक्षार अंत घटा जाता 26 तारीख में कार्डियक केयर हस्पिटाल उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। बहु प्रतीक्षित झारसुगुड़ा कार्डियक केयर हस्पिटाल उद्घाटन होगा जाऊँगी। पांच एकर जगार निर्मित 100 शय्या विशिष्ट कार्डियक केयर हस्पिटाल को उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री। पीपीपी मोड में परिचालित होगा डाक्तरखानार परिचालना संस्था कोलकाता बीएमआरसी हस्पिटाल को दि जाएगी। उपकरण किसी आसी सारी अन्य जंत्रपाति किसी दिन भितर आसीजीव। प्रथम पर्यायर केवल बहिर्विभाग कार्यक्षम हो मूलत यह एक संपूर्ण हृदरोग हस्पिटाल जो हृदरोग चिकित्सा हृदरोग शल्य चिकित्सा कार्डियोवास्कुलर कार्डियोथोरासिक सर्जरी हो पार यह व्यतीत मधुमेह संबंधित समस्या किडनी रोग संबंधित समस्या थी रोगी आसले भी सेवा पाई। बेसिकली इट इज ए कार्डियक कंप्लीट कार्डियक केयर हॉस्पिटल जहाँ कार्डियोलॉजी कार्डियक सर्जरी दैट मीन्स कार्डियोवास्कुलर कार्डियोथोरासिक सर्जरी सब कुछ मिलेगा। बट फॉर द कोमोर्बिड पेशेंट अगर कोई पेशेंट आ गया जिसका नेफ्रोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है डायबिटिक है उसका सर्विस भी इधर मिलेगा। किसी दिन आगर विरोधी दल मैंने कहते कुआड़े गला हार्ट हॉस्पिटल कुआड़े गला झारसुगुड़ार विकास मुझे कहूँ यह हूँ झारसुगुड़ार विकास। 12 फेब्रुवारी सर्वाहाल ओवरब्रिज उद्घाटन 26 फेब्रुवारी झारसुगुड़ा कार्डियक केयर हॉस्पिटल उद्घाटन। विजु स्वास्थ्य कार्डधारी मागणारे मिल सेवा ता छड़ा ओडिशा जे के चिकित्सा आसले उत्तम चिकित्सा सेवा परामर्श दि जाए 24 घंटा उत्तम चिकित्सा सुनिश्चित पर्यायक्रम अंतर्विभाग अस्त्रोपचार कार्यक्षम डाक्तरखानार भित्तिभूमि और चिकित्सा उपकरण आदि प्रदर्शन करिछंति बीएमआरसी मुख्य परिचालना अधिकारी डाक्तर पार्थ सारथी। वी आर बाउंड टू सर्व यू 24/7 तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का जो कंसर्न है बीएसक्यूआई वी रेस्पेक्ट दैट वन बट हम लोग आपको एश्योर कर रहे हैं इधर 24/7 डॉक्टर्स नर्सिंग स्टाफ क्वालिफाइड एंड पैरामेडिकल स्टाफ विल बी अवेलेबल। आगो को जो हार्ट भी प्रॉब्लम होता यू भुवनेश्वर नगले किए ट्रीटमेंट पा ना अधा रास्ते लोक मरी भी जाते मुख्यमंत्री एवं शुभ देवे 26 तारीख दिन से आरंभ हम से आम झारसुगुड़ावासी बहुत बहुत खुशी। झारसुगुड़ हृदरोग सुपर स्पेशलिटी डाक्तरखाना को नहीं जिलावासी बेस खुशी जाहिर कर झारसुगुड़ जितेन्द्र देवता न्यूज 18 इंडिया। कलाहांडी जिला धर्मगढ़ सहर मध्यरे थिबा बहु पुरातन पुलिस थाना सहर ठारु 4 किलोमीटर दूर को स्थानांतर होइछि। यहाँ पर सहर मध्यरे आईन श्रृंखला परिस्थिति को नहीं संदेह प्रकाश पाइछि।
ସହର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଟାଉନ୍ ଥାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ନଯିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ସହର ଧର୍ମଗଡ଼। ସହରକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟେ। ଏହାସହ ସହରଠାରୁ ଅନତି ଦୂରରେ ରହିଛି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମା। ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ସହର ବସ୍ତିପଡ଼ା ନିକଟରେ ରହିଥିଲା ପୋଲିସ ଥାନା। ତେବେ ଗତ 2020 ମସିହାରେ ଏହି ଥାନା ସହରଠାରୁ 4 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ କଲୋନୀ ପାଖକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଗଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସହରବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ପୂର୍ବରୁ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଥାନା ଥିବାବେଳେ ଯେକୌଣସି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲେ ଲୋକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପୋଲିସର ଉପସ୍ଥିତ ରହିପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଥାନା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କୌଣସି ମହିଳା କିମ୍ବା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ଥାନାକୁ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ସହଜରେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ପୂର୍ବରୁ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଥାନା ଥିବାରୁ ଅପରାଧୀ ତଥା ଚୋର ଡକାୟତମାନେ କୌଣସି ଚୋରି କିମ୍ବା ଅପରାଧ କରିବା ପାଇଁ ସେତେଟା ସାହସ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଆଉ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ହୋଇଯାଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଧର୍ମଗଡ଼ ସହରବାସୀ। 4 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଥାନାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହେଲା। ସେଦିନଠାରୁ ଆମେ ପରିଲକ୍ଷିତ କରୁଛୁ ଯେ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା କ୍ରାଇମ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି। ଏଣୁ ଲୋକଙ୍କର ଦୀର୍ଘଦିନର ଦାବି ରହିଛି ଯେ ଧର୍ମଗଡ଼ ସହର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟାଉନ୍ ଥାନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର କରନ୍ତୁ। ଥାନା ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲା, ନୂଆ ଥାନା ଯେମିତି ଆମେ 4 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ପଳେଇଗଲା, ଆମେ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସେ ତତ୍କାଳୀନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ DIG ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟି ଆମେ ଥାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ଜଣାଇଥିଲୁ। ଧର୍ମଗଡ଼ ସହରରେ ଥିବା ଦୋକାନ ବଜାରରେ କ୍ରମଶଃ ଚୋରି ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିରାପଦ ମଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। 4 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସହଜରେ ଅପରାଧୀମାନେ ଖସି ପଳାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଡିକି ଭାଙ୍ଗି ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କା ପଇସା ନେଇଯିବା ଭଳି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏହାସହ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ ଅପରାଧୀମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିବାର ବହୁ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ଦିଗରେ ତୁରନ୍ତ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଧର୍ମଗଡ଼ ଥାନା ସ୍ଥାନାନ୍ତରକୁ ନେଇ ଆମେ ବହୁତ ଥର ଦାବି କରି ଆସିଛୁ ଯେ ଧର୍ମଗଡ଼ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଥାନା ଅଛି ତାକୁ ଟାଉନ୍ ଥାନା କରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଧର୍ମଗଡ଼ ଥାନାଟା ଏବେ ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ 4 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ 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 କାମ ହେଲେ ବି ଲୋକ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି କିଛି ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର୍ରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ପୋଲିସକୁ ଆସିବାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି। ସେନେ ଚୋରି ହାରିରେ ବହୁତ ଡର ଆଜ୍ଞା, କେତେବେଳେ ଗୁଣ୍ଡାଗିର୍ଦି ହେଉଛି, କେତେବେଳେ ଆମର ବାଇକ୍ରୁ କୌଣସି ଲୋକ ଆସିକରି ଡିକି ଫାଡ଼ିକି ନେଇଯାଉଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ଏଣୁ ଆମକୁ ଟାଉନ୍ରେ ଗୋଟେ ଥାନା ଆମକୁ ନିହାତି ଦରକାର ସାର୍। ଆଉ ଆମେ ସେବେଳେ ବି ଦାବି କଲୁ ଟାଉନ୍ରେ ଗୋଟେ ଥାନା ହେବା କଥା, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ପ୍ରଶାସନ ବି କହିଲେ ନାହିଁ ଟାଉନ୍ରେ ଗୋଟେ ଥାନା ରଖମା, ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷଟା ଦେଖ 2-3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆମ ଟାଉନ୍ ବାହାରେ ଯାଇକି ଥାନା, ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏଠି ଗୋଟିଏ ଟାଉନ୍ ଥାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଦାବି ହୋଇ ଆସିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରତିକାର କରାଯାଉନଥିବାରୁ ସହରବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଅଂଶୁମାନ ପାତ୍ର, News18 ଓଡ଼ିଆ। ସମୟ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ର, ଆଉ ବ୍ରେକ୍ ପର ଦେଖିବା କମିଙ୍ଗ ଅପ୍ ର ପ୍ରାୟୋଜକ ଭାରତ ମସାଲା, ଦ ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ। ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେରେ ରାଉରକେଲାର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ କାହାଣୀ, କଥା କହିପାରୁନଥିଲେ ବି ମନର ହେଲା ମିଳନ, ଖୁସିରେ ଗଡ଼ୁଛି ସଂସାର ରଥ। ରାଜୀବ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ। କମିଙ୍ଗ ଅପ୍ ର ପ୍ରାୟୋଜକ ଭାରତ ମସାଲା, ଦ ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ। ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ଦୁଇଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ। ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଥିଲେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମୁଁ ଜଣେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ମୋ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନର ସବୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାର୍ଟି ନେଇଥାଏ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଆଉଥରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ। ଆଉଥରେ ସେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ସେପଟେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି ବିଜେଡି। ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି ବୋଲି କହିଛି ବିଜେଡି।
रेल और टेलिकम स्वार्थ दृष्टि समर्थन नहीं प्रेस रिलीज घोषणा कर बीजेडी समर्थन करने पर अश्विनी राज्यसभा जीवा निश्चिंत हो गतल बीजेडी नामांकन दाखल करते देवाशीष सामंतराय और सुभाषिष खुंटिया दिनिकिया गंजाम गस्तरे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक तेरगढ़ में मुख्यमंत्री बड़ घोषणा तेरगढ़ को एनएससी मान्यता नहीं घोषणा कले मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री कहते राज्य में 8000 अधिक हाईस्कल रूपातर हो लक्ष्मी योजन जातायात रूपातर आसी लोकों आशीर्वाद हिंजिली निर्वाचन मंडल आदर्श निर्वाचन मंडल हो विकास क्षेत्र में हिंजिली और तेरगढ़ देशर श्रेष्ठ ब्लक ए ब्लक्र सबु घर को पीवा पापी व्यवस्था होती मुख्यमंत्री राजस्थान राज्यसभा जिबे सोनिया गांधी एथिपाई सोनिया गांधी प्रार्थीपत्र दाखल करिसेंती प्रार्थीपत्र दाखल बेले राजस्थान पूर्वतन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस सभापति मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी प्रमुख उपस्थित रही राजस्थान कांग्रेस वरिष्ठ नेता भी उपस्थित थे प्रथम थर पर राज्यसभा जिबे सोनिया गांधी पूर्वतन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्थान में राज्यसभा जिबे सोनिया गांधी रायबरेली लगातार पांच थर लोकसभा को निर्वाचित होती सोनिया गांधी आएथर राज्यसभा जीवापर सोनिया प्रत्यक्ष राजनीति दूरे रहा एक प्रकार निश्चिंत सोनिया स्थान में झील प्रियंका गांधी रायबरेली लोकसभा निर्वाचन लड़ा नहीं चर्चा जोर धरी कांग्रेस छाड़े अंशुमान महांती केन्द्रापड़ा राजनगर पूर्वतन विधायक होती अंशुमान महांती 2014-2019 जाए राजनगर विधायक थे अंशुमान राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा रे सक्रिय भूमिका नहीं थे अंशुमान महांती पुत्रा बड़गा राउरकेला और सुंदरगढ़ में न्याय यात्रा जोग देते से तेज सूचना आसुची बीजेपी रे जोग दे पारंती अंशुमान विभिन्न दाबी नहीं कलम छाड़ आंदोलन को ओह्लाई ग्राम्य कृषि कर्मचारी संघ गंजाम शाखा संघर शताधिक कर्मचारी माने काम बंद कर ब्रह्मपुर स्थित जिला मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय सम्मुखें आंदोलन में बसिं क्याडर पुनर्गठन छह वर्ष को मूल चाकरी में गणना करने पदवीर ना परिवर्तन शिक्षागत योग्यता प्रवेश स्तर युक्त तीन विज्ञान लैपटॉप प्रदान करने भली विभिन्न दाबी नहीं आंदोलन को ओह्लाई ग्राम्य कृषि कर्मचारी यह दावी को नहीं पूर्वर बहुबार विभाग वरिष्ठ अधिकारी और राज्य सरकार को जनाईले सुधा कौन सुफल मिल पारा ना चलित मस य दावी पूरण नहीं 8 तारीख रु 12 तारीख पर्यंत डिजिटल आंदोलन करतमान बाध्य कलम छाड़ आंदोलन कर दाबी पूरण होना आंदोलन जेपर्यंत दाबी पूरण होनी से पर्यंत आंदोलन एभली जारी रही चेतावनी संघ पचास वर्ष होगा आम समस्त दाबी उपस्थापन करुच्छू किंतु कौन सी गोटे दाबी पूरण होना जेंडर रिस्ट्रिक्शन आउ ग्रेड पे चेंज ता सहित आम शिक्षागत योग्यता चेंज मूल चाकरी छः वर्ष से गणना हम आम कृषि विभाग मेरुदंड भाई कार्य करुच्छू बर्तमान आम ग्राम्य कृषि कर्मचारी मान आज पर्यंत कौन सी दाबी पूरण होलानी आम बारंबार दाबीपत्र सरकार को नवेदन करुच्छू तेणु राज्य संघर निष्पत्ति अनुसार आम आज फिजिकल स्ट्राइक रे प्रत्येक जिले में सीडीओ ऑफिस आगे बसचु एवं पूर्वर 8 रु 12 तारीख पर्यंत आम मोबाइल बंद आंदोलन भी करूँ डेजिग्नेशन चेंज क्याडर पुनर्गठन आमर 6 वर्ष जो कंट्राक्चुअल थिला मूल चाकरी रे जोग करने विभिन्न जिनस आम शांतिपूर्ण भाव में बहुत थर दे सार मानक देचुजे आम पूरण करूँ जो जाए आम दाबी पूरण होनी आम ये शांतिपूर्ण भाव बसबू भैलेंटाइन डे रे प्रेमर बार्ता देउछंती दिव्यांग प्रेमी जुगल एमानों को प्रेम आगरे हारी शरीर अक्षमता आसंतु राउरकेलारु देखिबा ए प्रेमी जुगलों को नियारा प्रेम कहानी प्रेम प्रेमी जुगलों को पाई ए शब्द हेउची सबकिछि राउरकेला रे दिव्यांग प्रेमी जुगल राजीव एवं पूर्णिमा को मध्य रहिछि अनाबिल भल पाइबा परस्पर को दंडे छाड़ी रहिबा मुश्किल उभय जन्म रूप ना सुनी पारंती ना कही पारंती पिला बेलु राजीव एवं पूर्णिमा एका सांगरे स्कूल ले पाठ पढ़ुथिले पाठ पढ़ा सरिबा परे स्कूल रे उभय अलगा हो जाइथिले किछि वर्ष बीती जिबा परे एक मीना बजार रे उभयंकर पुणी देखा साक्षात हेला आउ सेइठो फोन नंबर देबा ने बापरे
ଉଭୟ ଭିଡିଓ କଲ୍ରେ ଇସାରା ଇସାରାରେ କଥା ହେଉ ହେଉ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରେମର କାହାଣୀ। ଆଉ ଉଭୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଗଲେ। ରାଜୀବ ନିଜର ଛୋଟ ସଂସାରକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଦୋକାନରେ ଦିନମଜୁରିଆ ଭାବରେ 300 ଟଙ୍କାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମଧ୍ୟ ସବୁ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ସ୍ୱାମୀର କାନ୍ଧରେ ଥିବା ବୋଝକୁ ହାଲୁକା ପାଇଁ ଘରେ ସିଲେଇ କରି 2 ପଇସା ଆୟ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଉଭୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ବି କମି ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା। ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ରେମୀଯୁଗଳ କଥାରୁ ନୁହେଁ, ମନକୁ ନେଇ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରେମର ସଂସାର। ଛୋଟବେଳୁ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ, ଛେଳି ସ୍କୁଲରେ ଥିଲା, ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ତ ସେଇଠୁ ଦେଖାଦେଖି ହେଇଥିଲେ, ଆଗରୁ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ତାଙ୍କର। ଫେର୍ କେତେ ଦିନ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ, ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଗଲେ। ସେ ଗୋଟେ ମେଳା ଯାଇଥିଲେ ତ ସେ ମେଳାରେ ଦେଖା ହେଲେ, ଦେଖା ହେଲେ ଫେର୍ ସେଇଠୁ ନମ୍ବର ନିଆନି ହେଇକରି ତାଙ୍କ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଚାଲିଲା। ଆଉ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଦେଲେ। କୁହାଯାଏ ପ୍ରେମର କୌଣସି ଭାଷା ନଥାଏ। ରାଜୀବ ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଦେଖିଲେ ମନକୁ ଆସେ ଏମିତି ବି ହୋଇପାରେ ପ୍ରେମ। ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଭାଷାର ଦରକାର ପଡ଼ିନଥାଏ। ଦୁଇ ମନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କେବଳ ମନର ଭାବନାରେ ହିଁ ବୁଝିଥାନ୍ତି ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ। ଗତବର୍ଷ June 1, 2023 ଉଭୟ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତିରେ ନିଜର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅଭାବ ଅନଟନ ସଂସାର ଭିତରେ ରହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦମ୍ପତି ଭଡ଼ା ଘରରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜି ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ନିଜ ପ୍ରେମର ସଂସାର। ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେରେ ଏହି ପ୍ରେମୀଯୁଗଳଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନେ ହିଁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା। ଏଭଳି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ନିଆରା ପ୍ରେମ କାହାଣୀ କୌଣସି ଫିଲ୍ମ କାହାଣୀ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିଲେ ମନରେ ଆସେ ରବନେ ବନାଦି ଯୋଡ଼ି। ରାଉରକେଲାରୁ ଶୁଭମ ପ୍ରଧାନ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଢେଙ୍କାନାଳ କମଳାଙ୍ଗଠାରେ ଥିବା GMR କମଳାଙ୍ଗ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି 5S ଏକ୍ସପୋ କର୍ମଶାଳା। ଯେଉଁ କର୍ମଶାଳାରେ GKEL ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମଡେଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏନର୍ଜି ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ବିଭିନ୍ନ ବୈଷୟିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି କିଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ରଖାଯାଇପାରିବ ତା ଉପରେ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ସହିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିରାପତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଏହି 5S ଏକ୍ସପୋକୁ GMR ଏନର୍ଜି ବିଭାଗ CEO ଆଶିଷ ବାବୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ପ୍ରଦର୍ଶିତ 15 ମଡେଲକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଯୁବ ତଥା ପ୍ରତିଭାବାନ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ଅଭିନବ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ଯେଉଁସବୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଡେଲ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏହା ଯଦି ବାସ୍ତବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୁଏ ତେବେ ଏନର୍ଜି ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଉତ୍ପାଦନରେ ଉନ୍ନତି ଆସିପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି CEO ଆଶିଷ ବାବୁ। ଏଥିରେ GMR ଥର୍ମାଲ ବିଭାଗ CEO ଧନଞ୍ଜୟ ଦେଶପାଣ୍ଡେ, GKEL ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଡ୍ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। 5 ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଡେଲକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିଲା। Of course, 5S, it brings in efficiency, it unclutters the workplace,